तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल को अगर देखो, तो इस वाले अगर क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली, तो ये कहता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीटर इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, मतलब क्यूब का जो वॉल्यूम है, सरफेस एरिया ए के बराबर है। तो अगर कोई क्यूब है जिसके पास साइड ए है, समझ रहे हो, ये क्यूब है जिसके पास साइड ऑलरेडी अपना ए यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब है, और सरफेस एरिया क्या होता है वॉल्यूम का, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसके पास होता है भाई, अब सरफेस एरिया, छह सरफेस एरिया होता है, एक का ए स्क्वायर होता है, एक का ए स्क्वायर होता है, तो 6 टाइम ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर तुम देखोगे तो ए बचेगा, तो साइड जो है वो 6 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है साइड ऑफ द क्यूब आ गया। तो ये कहता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो अगर साइड का क्यूब करोगे ये वाली, तो 6 का अगर क्यूब करोगे तो कितना आएगा, तो 6 का क्यूब 216 होता है, तो 216 मीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम होगा। दैट इज बी ऑप्शन सही है, ये सारे गलत हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।